तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसका नाम है आभासी बल या छद्म बल, स्यूडो फोर्स और फिक्टिटियस फोर्स, ठीक है। इससे पहले हमने निर्देश तंत्र क्या होता है वो समझ लिया, उसके पश्चात गैलीलियन रूपांतरण को बिल्कुल डिटेल से कर लिया, जिसके अंतर्गत स्थिति का रूपांतरण हो, चाहे वेग का रूपांतरण हो या त्वरण का रूपांतरण हो, बल का रूपांतरण हो, संवेग संरक्षण के सिद्धांत को भी समझा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को भी समझ लिया। तो उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आभासी बल। तो ये देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो बल है, बल मतलब जो किसी कण पर जो बल लग रहा है, एफ इजिकल टू एम ए आपका बल क्या है, एफ इजिकल टू एम ए, ठीक है। ये तो एक तरह से क्या है, वास्तविक बल है, ठीक है। तो आभासी बल क्या होता है कि वह किसी कण पर वास्तव में नहीं लगता अपितु लगता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। और वो लगता हुआ प्रतीत हो रहा है तो किसी न किसी कारण से हो रहा है, तो उस चीज को हम समझते हैं। तब क्या होगा, इसकी सही डेफिनेशन निकल करके बाहर आएगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि किसी कण पर जो बल लग रहा है ये क्या एक प्रकार की इवेंट है, ठीक है ना। कोई कण है, उस कण पर आप कितना बल कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो उसकी अगर आप गणना करोगे तो वो एक इवेंट हो जाएगी। उसकी गणना कैसे करोगे, उसकी गणना करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, क्योंकि एफ इजिकल टू एम ए किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप इस फोर्स को, उस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उसका कैलकुलेशन कर रहे हो। तो जैसे मान लीजिए फ्रेम एस है और ये कोई कण है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस कण पर लगने वाला बल आपके क्या हो जाएगा, एफ इजिकल टू एम ए। ये तो क्या कहलाता है, वास्तविक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, वास्तविक बल, वास्तविक बल, रियल फोर्स, ठीक है, रियल फोर्स। अब कभी कभी क्या होता है कि जो आपका निर्देश तंत्र है वो खुद क्या होता है, मोशन में होता है। हालांकि जड़त्व निर्देश तंत्र में हमने पढ़ा था कि आपका जो निर्देश तंत्र एस है वो स्थिर भी हो सकता है और नियत वेग वी से गतिशील भी हो सकता है, ठीक है। तो गतिशील तो वहां भी था लेकिन वहां आभासी बल नहीं था। लेकिन यदि आपका ये निर्देश तंत्र त्वरित गति से, यानी उसमें एक्सीलरेशन हो, यानी उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग, या आपने जो बनाया था ना वेग वी, ये वी आपका, ये आपने क्या लिखा था, नियत, ये नियत नहीं होना चाहिए, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या हो, एक्सीलरेटेड हो। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो आपका कण होगा, जिस कण पर आप बल का मान ज्ञात कर रहे हो एफ इजिकल टू एम ए के रूप में, उस कण पर एक एफ इजिकल टू एम ए तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा एक अन्य प्रकार का बल भी लगता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन वो लगेगा कब, जब आपका निर्देश तंत्र क्या हो, त्वरित गति से गतिशील हो, ठीक है ना, एक्सीलरेटेड मोशन हो, केवल तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो अब इसके हम डेफिनेशन बनाए, तो क्या बनेगी कि आभासी बल या छद्म बल किसी कण पर वास्तव में कार्य नहीं करते अपितु निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण कण पर लगते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। शब्द आपको क्या याद रखना है, त्वरित गति, त्वरित गति, और मोर ब्रॉडली समझना होता है वैसे ही तो निर्देश तंत्र की त्वरित गति। तो जब निर्देश तंत्र त्वरित गति से गतिशील होगा तभी ये बल लगेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी। फिर इस बल का जो मान होगा, उस बल के मान को निकालने के लिए हम देखते हैं, पहली बात तो बल है तो बल का मान तो सिंपली क्या होता है, हमेशा एफ इजिकल टू एम इंटू ए। अब ए होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, अगर ये मान लो एफ, ये तो रियल था आपका और ये क्या है, स्यूडो या फिक्टिटियस है, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं एफ आभासी। तो एफ आभासी का जो मान होगा वो क्या होगा, एम ए जीरो, जहां ए जीरो क्या है, ए जीरो है निर्देश तंत्र का एक्सीलरेशन, याद रखिए ए जीरो क्या है, ए जीरो आपका क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपका एफ ओ आर निर्देश तंत्र का त्वरण है ए जीरो, यानी जो आपका निर्देश तंत्र है वो ए जीरो त्वरण त्वरण से गतिशील है, तो ये आभासी बल है। तो अगर आपका निर्देश तंत्र इस तरह से है तो किसी कण पर आपके दो तरह के बल लगेंगे, जो एफ टोटल होगा आपका वो क्या हो जाएगा, वो होगा तो एफ रियल, रियल तो लगना ही लगना है, क्योंकि अगर एम द्रव्यमान का कण है उसका खुद का त्वरण ए है तो उस पर एम ए बल लगेगा, और दूसरा आपका एफ फिक्टिटियस या एफ आभासी, एफ वास्तविक प्लस एफ आभासी। तो ये क्या है, ये एफ टोटल लग किस पर रहा है, कण पर लग रहा है एम द्रव्यमान के, और वो इन दो बलों का सम है। तो इसका मान तो आपको पता ही है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, और एफ फिक्टिटियस क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू जिस त्वरण से निर्देश तंत्र गति कर रहा है वो त्वरण। और इस बल की जो दिशा होती है
वो दिशा क्या होती है हमेशा कि जिधर निर्देश तंत्र गति कर रहा है उसके ठीक विपरीत होती है। इस लाइन को आप याद कीजिए और नोट भी करना आराम से कि आभासी बल जो होता है उसकी दिशा सदैव जिस दिशा में निर्देश तंत्र गतिशील है उसके विपरीत होती है। अगर आपका निर्देश तंत्र ऊपर की तरफ है तो ये बल नीचे की तरफ लगेगा, अगर आपका निर्देश तंत्र दाएं तरफ गतिशील है तो ये बाएं तरफ लग जाएगा, अगर आपका निर्देश तंत्र नीचे की तरफ गतिशील है तो एफ आभासी ऊपर की तरफ लग जाएगा। मन बड़ याद रखिए डायरेक्शन जो होती है वो ऑपोजिट होती है किसके, मोशन ऑफ आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड मोशन में है उसके विपरीत। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो जब भी आभासी बल पूछे तो आप क्या नोट करोगे, एक तो उसकी डेफिनेशन बताओगे और दूसरा आप ये मान लिखोगे और फिर इसकी दिशा बताओगे। तो इस तरह से आप आभासी बल को आराम से समझा सकते हैं। अब इस आभासी बल को हम कहां फील कर सकते हैं, इसको हम कहां महसूस कर सकते हैं ये बल लग रहा है, तो आपने पढ़ी होगी लिफ्ट की गति। आपने देखा होगा जब हम लिफ्ट में खड़े होते हैं तो लिफ्ट ऊपर जाती है या नीचे आती है तो आपको आपके भार में परिवर्तन महसूस होता है, तो वो परिवर्तन इस आभासी बल के कारण ही होता है। अगर लिफ्ट रुकी हुई है आप उसमें खड़े हो तो आपको अपना भार उतना ही महसूस होगा जितना आपका वास्तव में है, लेकिन अगर लिफ्ट गतिशील है तो आपको आपके भार में परिवर्तन होगा, कभी आपको हल्कापन लगेगा कभी भारीपन लगेगा, कभी आप भारी लगोगे कभी हल्के लगोगे। तो अब उसको हम देखते हैं तो उससे आपका क्या होगा, आभासी बल का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं इसी के अंतर्गत लिफ्ट की गति। तो इसमें हम दो केस देखेंगे, पहला जब लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील हो। ठीक है, तो आप सिचुएशन कैसे हो जाएगी, मान लो ये लिफ्ट है, इसमें कोई एम द्रव्यमान की कोई वस्तु या कोई व्यक्ति खड़ा है और ये लिफ्ट किधर है, ऊपर की ओर चल रही है, ए जीरो त्वरण से चल रही है। तो अब देखिए ये आपकी लिफ्ट है, तो अभी एम द्रव्यमान का कोई कण है या कोई व्यक्ति खड़ा है तो आपको पता है हमेशा व्यक्ति का जो भार होता है वही उस पर लगने वाला बल होता है एम इंटू जी। आपका जो एफ क्या होता है, एम इंटू जी, ये वास्तविक बल है किसी कण पर लग रहा है, तो इसकी दिशा हमेशा किधर होती है, नीचे की ओर होती है। ये एम जी क्या है, आपका एफ रियल है। ठीक है, ये तो आपको पता है एम इंटू जी, और चूंकि जो आप पर और लिफ्ट क्या है, लिफ्ट एक निर्देश तंत्र है क्योंकि आप लिफ्ट में खड़े होकर के तो मेजरमेंट कर रहे हो। देखो निर्देश तंत्र को आप समझिए, निर्देश तंत्र आपका, निर्देश तंत्र वह स्थान है जहां से खड़े होकर के आप किसी भी घटना को मेजरमेंट कर रहे हो। ठीक है, इस चीज में आप कंफ्यूजन मत होना। तो अभी इस सिचुएशन में आपका निर्देश तंत्र क्या है, लिफ्ट है, क्योंकि आप लिफ्ट में खड़े होकर के अपने भार को मेजरमेंट कर रहे हो, तो लिफ्ट निर्देश तंत्र है आपका। और लिफ्ट क्या है, खुद गतिशील है किसी ए जीरो त्वरण से, तो निश्चित रूप से जब निर्देश तंत्र गतिशील होगा तो उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर आप किसी भी इवेंट का मेजरमेंट कर रहे हो तो उसमें वास्तविक बल के साथ साथ एक आभासी बल भी कार्यरत होगा। तो इस एम द्रव्यमान के कण पर या एम द्रव्यमान के व्यक्ति पर एक आभासी बल लगेगा और उसकी दिशा किधर होगी, हमने पहले ही देख लिया उसकी दिशा होगी जिस दिशा में निर्देश तंत्र गतिशील है उसके विपरीत। तो आपके जो इधर एफ आभासी किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, और उसका मान क्या होगा, एम ई जीरो। तो इस कण पर टोटल फोर्स कितना है, अगर मैं बात करूं एफ टोटल की तो वो क्या होगा आपका, वो होगा एफ वास्तविक प्लस एफ आभासी। ठीक है, और बल सदिश राशि के रूप में है तो इसको वेक्टर के रूप में लिख लो। अब जब वेक्टर लिख लिया तो दिशा अपने आप क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो एफ वास्तविक तो किधर है आपका, नीचे की तरफ है, ये ना नीचे की तरफ, और एफ आभासी भी किधर है, नीचे की तरफ है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपका एम जी प्लस एम ए जीरो, इसको मैं लिख देता हूं एम जी प्लस ए जीरो। तो आपका जो रियल फोर्स था वो तो केवल एम जी था, लेकिन उसमें कुछ एम ए जीरो का फैक्टर जुड़ रहा है, यानी आपका जो बल है, आपका जो भार है, भार भी एक तरह का बल होता है, वो आपको कैसा महसूस होगा, जो आपका वास्तविक भार है उससे बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो आप इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, जब आप लिफ्ट में गति कर रहे हो, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो आपको अपना भार बढ़ा हुआ दिखेगा। तो आपका एफ टोटल क्या आ जाएगा, एफ टोटल जो है वो एफ रियल से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, अर्थात
जब लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील होती है ए जीरो त्वरण से, तो उस स्थिति में उस लिफ्ट के अंतर्गत खड़े व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत होता है, इस वर्ड को याद रखिए आप, प्रतीत, ये वास्तव में नहीं है लेकिन सिर्फ प्रतीत हो रहा है। जब लिफ्ट रुक जाएगी तो बिल्कुल आपको वही भार महसूस होगा जो आपका भार है, ठीक है ना। आभासी बल केवल निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण लग रहा है, निर्देश तंत्र अगर रुक गया तो आभासी बल भी समाप्त हो गया, फिर केवल कौन सा रहेगा, रियल रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया ऊपर की ओर गति। अब ठीक इसी तरह से हम नीचे की ओर गति का देख लेते हैं। ये लीजिए, जब लिफ्ट नीचे की ओर गतिशील हो तो ये लीजिए, तो इस स्थिति में ये तो भार तो नीचे लग रहा है और आपका जो एफ आभासी होगा वो किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। एफ आभासी आपको ऊपर की ओर, एम ए जीरो, तो वापस वही एफ टोटल इज इक्वल टू एफ रियल, चलो वास्तविक प्लस एफ आभासी। तो ये लो, अब दिशा देखते हैं, वास्तविक तो नीचे की तरफ है, ये लीजिए एम जी, ये ऊपर की तरफ है माइनस एम ए जीरो, डायरेक्शन विपरीत है तो माइनस का सीना जाएगा, तो आपका क्या हो गया एम जी माइनस ए जीरो। तो इस स्थिति में आपका क्या है, जो एफ टोटल है आपका वो एफ रियल से क्या है, छोटा है। तो इस स्थिति में आपको अपना भार कैसा मिलेगा, कम प्रतीत होगा। तो जब लिफ्ट नीचे की ओर गतिशील होती है तो उस स्थिति में लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को अपना भार कम प्रतीत होता है, ठीक है। दोनों केस हो गए और सिचुएशन यहां भी है, लिफ्ट की क्या है, त्वरित गति है, तो इस लिफ्ट के मोशन से आप आराम से इस आभासी बल को महसूस कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हो आप, लिफ्ट में चढ़ करके उसको ऊपर नीचे जब आप चढ़ोगे तो आपको अपना महसूस होगा, ठीक है। जनरल वे में इस चीज को थोड़ा इग्नोर करते हैं लेकिन जब आप टॉपिक के रूप में देखोगे तो, और कम से कम थोड़ा उसमें ट्रेवल करोगे उस लिफ्ट में, तो आपको अपना महसूस होगा, तो ये चीज होगी, ठीक है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है लिफ्ट की गति को, पूरा इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल बेस में भी अगर आपसे कोई निर्देश तंत्र त्वरण किसी त्वरण से गतिशील है, आपको आभासी बल का मान पूछे या टोटल फोर्स पूछे, तो बस दिमाग में ये चीज रखनी है, डायरेक्शन एडजस्ट करनी है आपको बस, ठीक है ना, डायरेक्शन अपना एडजस्ट हो जाएगी। अब एक तीसरा केस भी कभी कभी आता है कि अगर मान लो लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन इस केस को हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको आपको रियलिटी में देखना है। तो वो जो स्थिति होगी, वो स्थिति क्या होगी, एक तरह से स्वतंत्रता पूर्वक जो वस्तु नीचे गिरती है, ठीक है ना, बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक गिरने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो जी त्वरण से नीचे गिरेगी। किस त्वरण से नीचे गिरेगी, जी त्वरण से, ठीक है ना, किसी तरह का कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्टिव फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। तो उस स्थिति में व्यक्ति का भार कैसा होगा उसकी हम चर्चा करते हैं। तो अगर मान लो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है, ठीक है ना, इसमें केस क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए, ये आपका एक थर्ड केस है, ठीक है, जब लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए तो उस स्थिति में क्या होगा उसको आप देखिए। तो ये स्थिति कैसी है, इस स्थिति में आप नीचे कह नहीं सकते हो, यह स्थिति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही हो। बस इस लाइन को आप याद रखना, आप आराम से नोट बनाओ तो इसको लिख लेना, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं पूरा, स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, आप ऐसा लिखना कि यह स्थिति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही हो। और जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है, फ्रीली फॉल, ठीक है, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, फ्रीली फॉल, फ्रीली फॉल, तो उस स्थिति में जो आपका ए जीरो होगा वो ए जीरो किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर। और चूंकि लिफ्ट किधर है, रस्सी टूटेगी, मान लो ये आपका एम जी तो नीचे लग रहा है और रस्सी टूटेगी तो आपका ए जीरो इक्वल टू जी नीचे की तरफ है, तो एफ जो आभासी होगा वो किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, और उसका मान क्या होगा, एम जी, तो एक एम जी नीचे रहेगा एम जी ऊपर, तो रिजल्टेंट आपका एफ टोटल क्या हो जाएगा, एफ टोटल हो जाएगा आपका जीरो। यानी इस स्थिति में व्यक्ति को अपना भार शून्य लगेगा और इस स्थिति को हम कहते हैं भारहीनता की स्थिति, भारहीनता की स्थिति। तो ये पूरे हमने लिफ्ट के तीनों केस कंसीडर कर लिए, ठीक है। मैं एक बार ब्रीफली इसको वापस रिकॉल करता हूं, आभासी बल क्या होता है, आभासी बल वह बल होता है जो किसी कण पर वास्तव में नहीं लगता अपितु निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण उस पर लगता हुआ प्रतीत होता है, और इस बल की जो दिशा होती है वह सदैव निर्देश तंत्र के गति की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी,
फिर हमने लिफ्ट का केस कंसीडर किया था, लिफ्ट जब ऊपर की ओर गतिशील हो तब क्या होगा, लिफ्ट जब नीचे की ओर गतिशील हो तब क्या होगा, और लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए तब आपको भारहीनता की स्थिति महसूस होती है। तो इस टॉपिक को आप बड़े आराम से कर सकते हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और समझने के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो फिजिक्स इन्वॉल्व है उसको आपको समझना है। तो इस लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं, फिर जो अगला टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर